हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आई होप सब अच्छे होंगे, सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आज के ब्लॉग की शुरुआत करती हूँ मैं अपने लड्डू गोपाल की पूजा से। तो मैं सुबह मॉर्निंग में पहले सूर्य भगवान को जल चढ़ाया, इसके बाद मैं आई नीचे। नीचे आकर मैंने लड्डू गोपाल को अपने वस्त्र पहनाया और उनका श्रृंगार किया। श्रृंगार करने के बाद मैंने सभी को टीका लगाया, तिलक लगाया और हैप्पी करवा चौथ ऑल फ्रेंड्स। सॉरी मैं भूल गई, तो आज करवा चौथ है तो सभी को हैप्पी करवा चौथ और सभी के सुहागों की दीर्घायु हो, भोलेनाथ की कृपा बनी रहे, सभी सुहागिन जो हैं उनके पतियों की दीर्घायु हो और सभी स्वस्थ और मस्त और तंदुरुस्त सब रहे। तो चलिए अब मैं अपने पूजा को दिखा रही हूँ। तो ये सब हमारी पूजा पाठ हो रही है और ये देखिए हमारे कान्हा जी के वस्त्र कैसे लग रहे हैं आप लोगों को, तो ये कमेंट्स बॉक्स में जाकर आप लोग बताइएगा हमारे कान्हा जी के वस्त्र कैसे लग रहे हैं। तो मैं आप लोगों से डेली बोलती हूँ अपने ब्लॉग में कि मैं पूजा पाठ से रिलेटिव ब्लॉग बनाऊंगी और रेसिपी और भी मतलब कहीं मैं जाऊंगी यदि घूमने तो वहाँ का भी ब्लॉग आप लोगों को दिखाऊंगी। तो ये देखिए मैंने बनाया सातिया प्लेट पे चंदन से, और जब मैं सातिया बनाती हूँ डेली अपनी प्लेट में, इधर घंटी पे भी जो मैं घंटी बजाती हूँ उसमें भी तिलक लगाती हूँ, अपने लोटे जल जो गंगा जल डाल के रखा हुआ है इनमें भी मैं तिलक लगाती हूँ। तो ये देखिए हमारे लड्डू गोपाल का मुकुट कैसा लग रहा है, ये देखिए ये बड़े लड्डू गोपाल हैं, ये छोटे वाले, और इनका कैसा लग रहा है मुकुट तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो ये देखिए हमारे, और ये देखिए हमारी मम्मी है, मम्मी हमारी आज करवा चौथ व्रत है तो वो पूजा कर रही हैं सुबह सुबह, मतलब नहा ली है, लेट नहाई हुई थी थोड़ा, तो ये भी मैंने ब्लॉग वीडियो एडिट करी इसी में। तो ये हमारी मम्मी सुबह सुबह गणेश भगवान का सब पूजा पाठ मतलब कर रही हैं और जो गणेश भगवान की कथा वगैरह वो चीज़ पढ़ रही हैं सब। तो ये आज बुधवार भी है तो बहुत अच्छा दिन पड़ा हुआ है करवा चौथ का, तो गणेश जी की पूजा होती है। तो ये देखिए हमारी मम्मी पूजा कर रही हैं और मैंने ये आप लोगों को, मैंने सोचा चलिए मैं आप लोगों को अपनी मम्मी की भी पूजा पाठ दिखाती हूँ। तो ये देखिए हमारी मम्मी सब पूजा पाठ कर रही हैं और भोग वगैरह सब, तिलक वगैरह सभी के लगा रही हैं फिर से, और ये देखिए कैसा मनमोहक लग रहा है दृश्य ये देखने में। तो ये देखिए बजरंगबली बाबा के भी लगाया उन्होंने उठाकर, तो ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, ये रेड कलर का बल्ब लगा हुआ है मंदिर में तो बहुत ही अच्छा लगता है।
और ये देखिए, और वीडियो हमारी ज़रा सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए, लाइक करिए, और जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ऐसी ही मैं अच्छी अच्छी वीडियो प्रतिदिन लाती रहूँगी और पूजा पाठ में दिखाती हूँ, तो आप लोगों के ऊपर हमारे लड्डू गोपाल का हाथ है और लड्डू गोपाल का आशीर्वाद है। जो जो भी कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखेगा, जय श्री राधे लिखेगा, उसके लिए तो लड्डू गोपाल तो एक मतलब लड्डू गोपाल के जो आशीर्वाद है वो तो और ही ज़्यादा रहेगा। तो चलिए, ये तो सब हंसी मजाक की बातें हैं, ये तो भगवान की जब कृपा होती है तभी सब कुछ होता है। तो ये मैं बस जो थोड़ा सा हंसी मजाक करनी थी मैंने बोल दिया। तो ये देखिए हमारी मम्मी फूल वगैरह, मैं फूल अपने पेड़ों से ही तोड़ के लाती हूँ, अपराजिता वगैरह के और भी लगे हैं फूल, तो मैं ये तोड़ के लाई हुई हूँ और मैंने ये सब मम्मी को दे दिए, मैंने कहा आप चढ़ा दीजिएगा। तो ये देखिए चढ़ा के अपना पूजा कर रही हैं। तो प्लीज़ आप लोग हमारा सपोर्ट करिएगा और चैनल पर नए आए सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, तो मैं बार बार ये बोलती जाती हूँ ये सब चीज़ें, और फिर भी आप लोग सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं और लाइक करना भूल जाते हैं। ये देखिए, और हमारी मम्मी घंटी बजा रही हैं, आरती करेंगी, तो ये पूजा उनकी हो रही है। इधर ये पीला कटोरी में जो चावल होता है ना, चावल पीस कर, तो वो मिला के मैंने मतलब उनका जो पता नहीं आईपन बोलते हैं क्या बोलते हैं, वो चावल का वो बना दिया हुआ है। तो ये देखिए, ये हमारे लड्डू गोपाल कैसे लग रहे हैं, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। ये देखिए उनकी ड्रेस कितनी प्यारी है, और ये देखिए ये बड़े लड्डू गोपाल हैं और वो छोटे वाले हैं। और अब आ गई मैं किचन में, दोपहर का समय है तो अब मैं किचन में आ गई मैं दही बड़ी बनाने। तो हमारे इधर जो गांव साइड में होता है जो, तो वहां पर दही बड़े ऐसे बनते, मेरा मन किया आपके बार मैं ऐसे ही दही बड़े बनाती हूँ बड़े बड़े। तो ये देखिए मैंने ऐसे ही कानपुर में हमारे मतलब मायके में, जो हमारी मम्मी का मायका है, मतलब मम्मी का भी मायका हमारा भी मायका कानपुर में, तो वहाँ पर दही बड़े ऐसे ही बनते हैं खूब, मतलब ऐसे ही बना बना के बड़े बड़े और उनमें थोड़ा सा बीच में होल करके, और ये मुझे अच्छे लगते हैं इस तरह के दही बड़े। तो अब मैं पानी में इन्हें निकाल निकाल के जैसे गांव स्टाइल में मैंने बिल्कुल दही बड़े बनाए, मेरा मन कर रहा था कि मैं अब की बार गांव स्टाइल में दही बड़े बनाऊंगी। तो मम्मी के यहाँ पे क्या होता है करवा चौथ में कढ़ी है और दही बड़े हैं, बाकी पूड़ी है, सब्जियाँ हैं, मीठी पूड़ी है, ये सब चीज़ें बनती हैं, तो उसी अनुसार मुझे खाना बनाना पड़ रहा है। तो ये देखिए, ये हम पानी से निचोड़ के मैं मट्ठे में डाल रही हूँ, तो मैंने मट्ठा बनाया हुआ था दही का। इधर मेरे दही बड़े ये सिक रहे हुए हैं कढ़ाई में, तो मैं हमेशा लोहे की ही कढ़ाई यूज करती हूँ और मुझे लोहे की कढ़ाई का खाना बहुत पसंद। तो ये देखिए हमारा खाना पीना सब बन गया है हुआ, मीठी पूड़ी, सीटी पूड़ी, गोभी आलू की सब्जी, कढ़ी और दही बड़े, ये सब चीज़ का मैं भोग लगा रही हूँ भगवान को। तो ये देखिए मैंने भोग लगा दिया हुआ है सभी को भगवान। इधर हमारी मम्मी का जो करवा है ना, वो उन्होंने वो जो पीला चावल होता है ना हल्दी मिला के, उससे लेप कर लिया हुआ है, तो इधर रख दिया हुआ है। ये देखिए, ये हमने कान्हा जी को और गणेश भगवान यानी कि सभी देवी देवताओं को भोग निकाला हुआ है। तो ये हमारे आज सभी देवी देवता भोग को ग्रहण करेंगे और इसके बाद मैं इनको पानी पिलाऊंगी, आप लोग भी खाइएगा आके सभी चीज़ें। और हमारे दही बड़े कैसे लग रहे हैं देखने में गांव स्टाइल के, ये हमारी मम्मी का कैलेंडर भी चिपक गया हुआ है मंदिर में, तो इसको भी उन्होंने टेप से चिपका दिया है मंदिर में।
ये देखिए हमारी सब्जी आलू गोभी की कढ़ी कैसी लग रही है, आप लोग देखिएगा, कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा मुझे कमेंट्स करके। ये चम्मच है हमारे कान्हा जी की, छोटी सी, इसी चम्मच से खाना खाते हैं हमारे कान्हा जी। ये देखिए, तो मैं सभी को भोग देती हूँ, सभी को। और कान्हा जी का तो डेली खाना बनता ही बनता है, भो मतलब सॉरी खाना नहीं, भोजन। तो हमारे सनातन धर्म बोलते हैं भोजन, तो हमारे भोजन ज़रूर बनता है। तो ये भोजन कान्हा जी के लिए सुबह सुबह तैयार किया जाता है, और बाकी फेस्टिवल आता है तो उसमें तो तैयार होता ही होता है सभी का। तो मैं भोग लगाती हूँ पहले कान्हा जी का, फिर लास्ट में बोल देती हूँ कि सभी लोग भोजन ग्रहण करिएगा। ये देखिए अब सेब का भी लग गया।